यार ये मेरा कज़न है, कल ही दुबई से आया है। तुझे पता है वहाँ पे भी जॉब्स वगैरह के बुरे हालात चल रहे हैं, तो बस अब यहीं पे कुछ ढूंढेगा। मार्केटिंग का बंदा है, कोई जॉब वगैरह की सेटिंग हो तो बताना यार। ठीक है यार, नो प्रॉब्लम, करते हैं कुछ इंशाल्लाह। अबे यार सॉरी यार, मैं तुझे बताना भूल गया, ये फैसल का ना एक मसला है, ये जब भी टांग उठाता है ना तो उसकी पाद निकल जाती है, इससे कंट्रोल नहीं होता। अबे यार तो बताना चाहिए था ना, नाक के सारे बाल जल गए मेरे। मैं जा रहा हूँ बाहर खुली हवा में। जी करवा दी भाई की बेइज्जती। अबे चल ना जा यार, जब तुझे पता है मेरा तो फिर क्यों लेके आता लोगों को यार। अच्छा चल सही है, कल मिलता हूँ मैं। अजीब क्या हुआ बेटा, आज तुम्हारा जॉब इंटरव्यू था ना, कैसा रहा? अब्बू फ्लैशबैक। चलो बेटा इंशाल्लाह जॉब हो जाएगी इंशाल्लाह। अच्छा वो अम्मी ने खाना गर्म करके रख दिया, जाओ खा लो। ठीक है बेटा। मुल्कभर में गैस की लोड शेडिंग स्टार्ट हो गई है, गैस ना होने की वजह से आम आवाम शदीद परेशानी का शिकार है और उनमें देखो शुरू हो गई इनकी हरकतें। सर्दी आती है तो गैस गायब, गर्मी में बिजली गायब। पता नहीं यार हमारे बेसिक्स कब कवर होंगे। यार भाई चाय तो पिला। अबे कहाँ से पिलाऊं, हमारे यहाँ भी गैस चली जाती है, ठीक 11 बजे बिल्कुल गायब, और अब तो 11:30 हो रहे हैं। अबे कल नूडल्स बनाने खड़ा हुआ मैं, भूख ऐसी टाइट लगी हुई थी लेकिन गैस ही नहीं। यार गैस नहीं तो क्या हुआ, तेरे पास भी तो इतनी सारी गैस है, उसी में बना लेता नूडल्स। उठाऊं अभी उठाऊं? नहीं नहीं भाई चुटकी लाना भूल गया हूँ आज, नीचे कर ले। ये जलने की बदबू कहां से आ रही है? अरे भाई ये तौलिया किसने जलाया है? ओए हमाद जल्दी से मेरे घर आ जा। अबे रात का 1 बज रहा है, क्या हो गया? अबे आ जा यार, बहुत इंपॉर्टेंट काम है, जल्दी आ जा। चाय पिएगा? चाय पीने के लिए तूने इस टाइम बुलाया है, और वैसे भी तुम्हारी तो 11 बजे गैस चली जाती है, तो आज चाय कैसे? छोड़ यार मैं लेके आता हूँ, ये ले गर्मा गर्म चाय पी। मुबारक हो भाई, इलेक्ट्रिक चूल्हा ले लिया आपने? अबे कोई चूल्हा वूल्हा नहीं लिया, बल्कि मैं खुद एक चूल्हा हूँ, अनलिमिटेड गैस सप्लाई। मगर कैसे भाई? ये देख। अरे जानी ये तो वीवीआईपी सीन हो गया, गैस की डिमांड ज्यादा है और सप्लाई कम, हम इस डिमांड और सप्लाई के गैप को कम करके बेहतरीन बिजनेस कर सकते हैं। बिजनेस मगर कैसे? यार ये तो सोचना पड़ेगा इसको यूटिलाइज कैसे किया जाए। तू एक टाइम में कितनी गैस निकाल सकता है? जितनी मर्जी भाई, एक यही तो टैलेंट है आपके भाई के पास। ओ भाई हम लोग लखपति करोड़पति अरबपति बन जाएंगे, बस किसी तरह तेरी इस गैस को ना कैप्चर करना है। खैर मैं सोचता हूँ कुछ कोई प्लान निकालता हूँ। टाइट चाय बनी है ना तेरे भाई की गैस से?
भैया फुल कर दो। भाई आप इतने सस्ते रेट पे गैस कैसे दे रहे हैं? भाई आप गुठलियां खाओ ना, आम क्यों गिन रहे हो? दो। गैस 22, 23, 24, 25, 25,000 आज की कमाई। परसों हमने 5 कमाए, कल 10 और आज 25,000। ग्रोथ चेक कर रहा है तू? रोज 10-10,000 बढ़ रहे हैं। बेहतरीन यार, मैं तो कह रहा हूँ जब तक जॉब नहीं लग रही ना, यही धंधा ठीक है। ओ भाई छोड़ दे जॉब वगैरह को। खबर फैलती जा रही है कस्टमर जो है ना वो बढ़ रहे हैं, ठीक है ना? और जॉब वगैरह में कुछ नहीं रखा जानी, अब वर्किंग आवर्स मुझे लग रहा है बढ़ाने पड़ेंगे। तो एक काम कर, मूली और कच्चे अमरूद वगैरह खा, कल संडे रस ज़्यादा होगा, ठीक है? सुबह रेडी रहना। क्या हो गया भाई? मूली और कच्चे अमरूद पपीता वगैरह के लिए। अच्छा चल ठीक है, बाद में देख लेंगे अपन अपना हिसाब। ठीक है, ओके जानी, जा गैस भर। अंकल फैसल को भेज दे, लोग आ गए हैं। बेटा वो तो सुबह से गायब है, नंबर भी बन जा रहा है। नंबर बन जा रहा है? चल ठीक है, मैं देखता हूँ। भाई आज गैस नहीं है, जैसे ही आ जाएगी मैं आपको व्हाट्सएप कर दूंगा, आप अपने नंबर लिखा दें मुझे। सॉरी यार, माफ करना। नंबर बेटा पुलिस रिपोर्ट करवा दी है, नंबर भी बन जा रहा है और लास्ट लोकेशन भी घर ही की आ रही है। कुछ समझ में नहीं आ रहा कि आखिर चल क्या रहा है। अंकल आप टेंशन ना लें, मैं कोई चैन से लाता हूँ, ठीक है? मैं पता करके आता हूँ। कहाँ जा रहा है? गैस लेने। गैस लेने? कहाँ से? तुमसे भी सस्ते रेट पर गैस मिलना शुरू हो गई है। चल ठीक है तू जा। जा जा जा। अंकल अंकल मुझे लगता है फैसल जो ना किडनैप हो गया है, क्योंकि मैं एक और जगह जाके गैस देखी तो हमसे भी सस्ते दाम में बेच रहे थे। जब मैंने इन्वेस्टिगेट करा तो वहां पे फैसल की खुशबू थी, मतलब बदबू थी। तो बेटा फिर पुलिस के पास चलते? नहीं 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 नहीं, हम पुलिस या गवर्नमेंट के पास नहीं जा सकते। अगर उनको फैसल की सुपर पावर का पता चल गया तो पूरे पाकिस्तान को गैस उसके अंदर से सप्लाई करेंगे। हमें आज रात को उसको खुद जाके बचाना होगा। आप रात 10 बजे रेडी रहना, मैं आ जाऊंगा आपको लेने। ठीक है बेटा, ठीक है। ओके, एक कपड़ा रख लेना। बेटा वो रहा फैसल। अंकल गार्ड भी तो खड़ा हुआ है। हाँ, क्या करें? आइडिया, एक मिनट। फैसल, अब्बा मुझे जबरदस्ती किडनैप कर लिया था, दिन रात गैस निकाल रहे। बेटा परेशान मत हो, हम तुम्हें बचाने आ गए। हाँ चल जल्दी चल। अबे कैसे चलूं, रस्सी से बंधा हुआ हूँ। अबे वही तो खोल रहा हूँ कब से। चल 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 चल। अबे रुक, क्या हुआ? पीछे देख। हाँ जानी, तो क्या टेंशन है, निकाल देते हैं इसको भी। इतनी आसानी से नहीं निकलेगा दोस्त, फुल पक्की वाली फिटिंग है, नोजल वोजल लगा के।
बेटा तुम रिलैक्स करो, आराम करो, मैं तुम्हारे लिए पानी गर्म करता हूँ, ठीक है? अबे यार बहुत बैड सीन हुआ यार ये तो। खैर तू टेंशन नहीं ले, अपना ख्याल रख और आराम कर। बस यार जानी जल्दी से एक ये सिलेंडर भर दे भाई प्लीज यार, तुम्हारी भाभी के घर में ना कल से गैस नहीं आ रही है। अबे भाई क्या कह रहा है यार, मैं नहीं भर सकता, बहुत वीकनेस हो रही है मुझे। अरे यार भाई प्लीज बस ये भर दे, फिर तीन चार दिन तू आराम कर, जब तक तू नहीं बोलेगा हम वापस काम स्टार्ट नहीं करेंगे। बस ये भर दे प्लीज यार भाई मेरा। ये ले अंदर अंदर, मैं सिलेंडर में लगाता हूँ, डाल। ओके मैं डालना। अबे कब से तो जोर लगा रहा हूँ। ओ भाई बिल्कुल गैस नहीं आ रही, जीरो प्रेशर है। अबे बात सुन। हाँ क्या हुआ? अबे यार मुझे लग रहा है वो जो मोटा वाला पाइप था ना उसने गड़बड़ कर दी। अरे जानी मोटा पाइप निकाल तो दिया था हमने। यार मैंने तुझे बताया था ना उन्होंने बड़ी प्रॉपर फिटिंग की थी नोजल के साथ, पाइप तो निकल गया लेकिन। लेकिन नोजल कहाँ है? अंदर अंदर।